Hello, students. I am fine. I hope you are also fine. I will describe you today fraction. पहले मैंने आपको बताया था कि ये है, इसमें इसको फ्रैक्शन हम कैसे डिवाइड करेंगे. लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने कलर्ड पोर्शन होते हैं वो अपर पार्ट में आते हैं, टोटल जो नंबर होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो डाउन में आते हैं. ये फ्रैक्शन हो गया. अब हमने ये भी आपको डिस्क्राइब किया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसके इक्विवेलेंट बनाना है 3, ये तो इसकी टेबल 2 बन गया, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. ये 3 की टेबल है, 3 जा 3, 3 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपके. टुडे आई विल टीच यू आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मींस अपर पार्ट, न्यूमरेटर मींस अपर पार्ट, डिनोमिनेटर मींस जो डाउन में पार्ट होता है, ये किसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. 2/5 फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालने हैं इसके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विद न्यूमरेटर 18, यानी कि आपको इसके 18 बनाना है. तो क्या करेंगे, 18 जो भी यहां पर आएगा नंबर, अब इसको बोला गया तो इसी से डिवाइड कर दीजिएगा. जब आपने डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 9. अब यहां पर 9 राइट कीजिए. ओके, अब यानी कि ये जो नंबर है इसको हम फिर से राइट करेंगे. जो आपका ये नंबर आता है, इसी नंबर यानी ये नंबर यहां पर भी राइट करेंगे और डाउन में भी राइट करेंगे. आई कैन अरेंज इट. 9 2 18, 9 5 45. देखिए आपका ये 18, ये भी 18 सेम हो गए ना. अब इसके पहले हम इसको कॉपी करेंगे और इंटू का साइन लगा कर रखेंगे. अब मैंने बोला था इस नंबर को राइट कीजिए, ये नंबर राइट किया. अपर पार्ट क्या है, 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 ही आंसर आएगा. 18 राइट कर लिया. अब 18 जो है वो इसमें भी राइट करेंगे और डाउन में भी राइट करेंगे. जो नंबर आएगा आप दोनों पार्टों में राइट करेंगे. अब इसके बाद इसको आप इरेज कर सकते हैं. 18 बन गया, 18, 18 टू जा 36. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप यहां पे भी नोट कर सकते हैं. 2 जा 16 प्लस 6 वन कैरी, 2 जा 2 वन 3, 36. सेम एज आपको 18 बनाना है, 18 तो आपने यहां पर क्या राइट किया, जो नंबर है आपने पहले से कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया. जब ये कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद आपको क्या बनाना है, इसको बनाना है. मैंने बोला था आपको ये नंबर नोट कर लेंगे, ये नंबर नोट किया, डिवाइड बाय जो भी ऊपर है उसको डिवाइड किया. 9 2 2 आंसर आया. अब 2 को हम इसमें भी इंटू करेंगे, इसमें भी इंटू करेंगे, 2 and 2 इक्वल 2 9 18 और 15 2 30. तो ये आपके न्यूमरेटर जो है वो 18 18 18 बन गया. अब इसमें क्या करोगे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हूज डिनोमिनेटर 40. अब डिनोमिनेटर ये है, इसको 40 बनाना है, इसको 40 बनाना है और इसको भी 40 बनाना है. तो क्या करेंगे, सेम एज राइट दीजिए 5 और 8 इंटू का साइन लगाएंगे. अच्छा अब इसमें जैसे इसमें 18 राइट करते थे, अब इसमें 40 है तो 40 राइट करेंगे, 4 0 और डिवाइड. अब इसमें बोला गया था आपको न्यूमरेटर बनाना है, इसलिए न्यूमरेटर से डिवाइड दिया था. अब इसमें डिनोमिनेटर दिया गया तो डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे. अगर आपको न्यूमरेटर से पूछा जाए तो न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे और अगर आपको डिनोमिनेटर से कहा जाए तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 8 5 4 5 आंसर आया. अब जो 5 आया आप 5 यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं.
करेंगे और यहां पर भी राइट करेंगे। अब इसको आप रिवर्स कर दिए, अब इसका आंसर राइट करने के लिए 5 5 25 8 5 40, देखिए आपका डिनोमिनेटर 40 चेंज हो गया। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम एज 3 4 इनटू द साइन और जो भी नंबर है यहां पर राइट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4 10 10 10 आपका आंसर, यानी कि 10 आप यहां पर भी राइट करेंगे और 10 यहां पर भी राइट करेंगे। इसको आप रिवर्स कर दिया, इक्वल का साइन 10 3 30 और 10 4 40, देखिए आप डिनोमिनेटर 40 40। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज, जैसे कि आपने ये दिए हैं सेम एज करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे 30 और ये 5 इनटू परसेंट और जो भी आपको ये नंबर दिया गया है ये नंबर आपने राइट कर दिया। राइट करने के बाद डिवाइड का साइन लगा। अगर आपको न्यूमरेटर से पूछा गया है तो न्यूमरेटर से करेंगे, अगर आपसे डिनोमिनेटर पूछा गया तो डिनोमिनेटर से करेंगे। 5 इक्वल 8, 5 के टेबल लीव करेंगे तो 8 आएगा, 8 आपने राइट किया 8 यहां पर 8 8, जो भी नंबर आएगा आप बोथ में राइट कर देंगे। ओके इक्वल 30 हो गया 104 8 5 40 40 40। सेम अगर आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है तो न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, अगर आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा बोथ नंबर में राइट करेंगे और इसको इनटू कर देंगे। ओके।